हेलो सर, ये मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट का वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और भी बहुत सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी जो मेरे होममेड प्रोजेक्ट्स हैं। हेलो दोस्तों, ये 36 वोल्ट 15 एम्पीयर का बैटरी पैक रेडियो और आप देख पा रहे हैं। तो ये हमने सेल सेट कर लिए हैं और इसको अभी स्पॉट वेल्डिंग करना बाकी है। बाकी का जो प्रोसेस होता है वो करेंगे। तो ये हमने ये सेल सेट कर दिए हैं, जो हमारे कस्टमर का ऑर्डर है 36 वोल्ट 15 एम्पीयर की बैटरी प्लस जीके का 36 वोल्ट 250 वोल्ट का हब मोटर किट। तो ये है ऑर्डर पर, इसको अभी हम रेडी करेंगे बैटरी को। तो दोस्तों, ये 36 वोल्ट 15 एम्पीयर की बैटरी पैक रेडी हो रहा है। तो दोस्तों, ये पूरी दोनों साइड से स्पॉट वेल्डिंग हो गई, आप देख पा रहे हैं। ये दोनों साइड से हमने स्पॉट वेल्ड कर दिया है। अब इसको बैलेंसिंग करना बाकी है, उसके बाद बाकी का जो आगे प्रोसेस होगा, बीएमएस लगाना, ये सब चीजें करेंगे। तो ये हमें है, तो ये हमने लगा दिया बैलेंसिंग में। ये आप देख पा रहे हैं, ये बैलेंसिंग में हमारी बैटरी लग गई है। ये वोल्टेज का आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखाता है वोल्टेज का डिफरेंस, कितना वोल्टेज का डिफरेंस है एक्चुअल में। आप देख पा रहे हैं डिफरेंस सेल वोल्टेज, मतलब सीरीज का वोल्टेज, और यहाँ पे भी आप वोल्टेज का डिफरेंस। तो इसको पूरा बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद इसको बाकी प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी ये जो बैटरी 36 वोल्ट 15 एम्पीयर की, ये लगभग बैलेंस हो गई, आप देख पा रहे हैं। ये आप वोल्टेज का डिफरेंस देख पा रहे हैं, सब वोल्टेज लेवल पर आ गए हैं। सब सीरीज के जो वोल्टेज हैं वो लगभग लेवल पर आ गए हैं। ये वोल्टेज का आप डिफरेंस भी देख पा रहे हैं, 0.002 ये हो गया इसका वोल्टेज लेवल। तो ऐसे होती है बैलेंसिंग, कर रहे हैं, लगभग रेडी हो गई है। बाकी इसको पैकिंग करना बाकी है। तो बैलेंसिंग होके बीएमएस वगैरह आप देख पा रहे हैं, ये बीएमएस वगैरह लगा दिया है, प्लस ये XT60 मेल फीमेल कनेक्टर आप देख पा रहे हैं, और ये है चार्जिंग सॉकेट, ये भी हमने लगा दिया है। और पूरा सेफ्टी से हम पैक करते हैं ताकि कभी भी किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट ना हो इसमें, ठीक दोस्तों। तो ये पूरा पैक हो गई है, बस इसको अभी कंप्लीट करना बाकी है। बैटरी रेडी हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। ये कस्टमर के ऑर्डर पर थी, हमारे बिहार के कस्टमर के ऑर्डर पर है। 36 वोल्ट 15 एम्पीयर की बैटरी और 36 वोल्ट 250 वोल्ट का जीके कंपनी का हब मोटर किट। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं इसमें हमने ये XT60 मेल फीमेल कनेक्टर लगाया है, आगे ये कंट्रोलर में कनेक्ट करने के लिए, प्लस ये चार्जिंग सॉकेट है जो चार्जिंग करने के लिए। तो ये 36 वोल्ट 15 एम्पीयर की बैटरी पूरे प्रोसेस के बाद ही हम कस्टमर को रेडी करके देते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ऑल वोल्टेज में लिथियम बैटरीज मिल जाएंगी, ऑल वोल्टेज में लिथियम बैटरीज मिल जाएंगी, 24 वोल्ट 36 वोल्ट और 48 वोल्ट 60 वोल्ट और 72 वोल्ट में भी मेरे पास ऑल वोल्टेज में लिथियम बैटरीज मिल जाएंगी। लिथियम बैटरी मेकिंग का प्रोसेस आपने देख लिया कि हमारा कैसा प्रोसेस रहता है। पूरा बैलेंसिंग करने के बाद बैटरी रेडी करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये पूरा पैक करने के बाद ये पूरा ग्लू रहता है ताकि इसमें कभी पानी वगैरह जाने का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप देख पा रहे हैं। दोनों साइड से आपको ग्लू मिलेगा। ठीक दोस्तों, XT60 कनेक्टर ये है, प्लस पूरी बैलेंसिंग करते हैं, उसके बाद ही एक बैटरी रेडी होता है, उसके बाद ही पूरा बीएमएस वगैरह लगा के रेडी करते हैं ताकि कस्टमर को जो माइलेज है वो बराबर मिले। बैलेंसिंग करने से बैटरी का जो माइलेज होता है वो बराबर होता है, परफेक्ट माइलेज मिलता है, प्लस बैटरी की लाइफ जो होती है वो परफेक्ट होती है बैलेंसिंग करने से। और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके पास बल्क में ऑर्डर रहते हैं। तो हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हम पूरा प्रोसेस के बाद ही कस्टमर को देते हैं ताकि कस्टमर को जब भी कस्टमर अपने बाइक में या बाइसाइकिल में जब भी यूज़ करे तो उसको माइलेज भी अच्छा मिले, प्लस उसको बैटरी की लाइफ भी अच्छी मिले। ठीक है दोस्तों, बाकी बैटरी में 1 ईयर की वारंटी रहती है, आप जब भी मेरे से लेंगे तो 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। अगर 1 ईयर के बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब भी उसकी सर्विस जो होगी वो मेरे पास मिल जाएगी। इनके जैसे 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर इसकी माइलेज कम होता है या ये सब चीज़ें होती है तो उसमें उस पोजीशन में भी बैटरी बैलेंसिंग का इशू होता है या कोई भी इशू होता है तो वो भी आपको सर्विस मिल जाएगी मेरे पास। बाकी जो तब के टाइम वारंटी के बाहर जो उसका कॉस्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी 2 साल 3 साल के बाद भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्विस मेरे पास पूरी मिल जाएगी, आप बिल्कुल बेझिझक आप मेरे यहाँ से बैटरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सामने देख पा रहे हैं, ये मेरा लेटेस्ट वीडियो जो है इलेक्ट्रिक कार्गो का। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप इस पर क्लिक करके वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत शानदार बना है, इलेक्ट्रिक कार्गो होममेड, तो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों।